Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Welcome to science class. Now in today's class, we are going to understand about the next topic of chapter number 14, water. So, we have learned about uses of water, then we have learned about how much water is there on the earth and how it is available, in which forms. Then we have read about water cycle. So, we have learned about that water is very less. The fresh water that we use is very less. So, it is important to conserve water. So, we will learn about water harvesting and water conservation. So, we have learned about Indira Gandhi Canal. So, Indira Gandhi Canal was the largest canal in India. Now, we will learn about water harvesting for commercial use and water harvesting for domestic use. So water harvesting for commercial use means on commercial basis. The basic components of the system are catchment, gutter, down take pipes, storage tank and distribution system. It can provide non-potable water. So यहाँ पे non-potable water चल सकता है. बट हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए क्या चाहिए, हमें पोर्टेबल वाटर जो हम पी सकते हैं. ठीक है, नॉन पोर्टेबल वाटर मीन्स नहीं पी सकते. टू मीट वेरियस नीड ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग सच एज टॉयलेट, फ्लशिंग, लॉन्ड्री, इन चीज़ों के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है. नाउ वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन. तो वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन कैसे करेंगे? इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस व्हेन रेन्स हैवीली द रेन वाटर इज कॉट एंड स्टोर्ड इन द टैंक्स. पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा तेज रेन्स आती थी तब रेन वाटर थोड़ा स्टोर किया जाता था टैंक्स में या बड़े बड़े कंटेनर्स में, इन हाउसेज और इन स्कूल बिल्डिंग्स. ऑन ए कमर्शियल स्केल व्हेन रिवर्स आर फ्लडेड ड्यूरिंग हैवी रेन्स द वाटर इज चैनलाइज्ड इनटू बिग वाटर स्टोरेज. अब जब कमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा रेन्स होती थी तब वाटर को चैनलाइज्ड किया जाता था बिग वाटर स्टोरेज. एक वाटर स्टोरेज बना लिया गया, वहाँ पे उस वाटर को चैनलाइज किया गया, वहाँ पे एक ऐसी लाइन बनाई गई जहाँ से वाटर सभी जगह से मिलके उधर उसी एरिया में जाएगा. सो सच एज डैम्स एंड रिजर्वियर्स. तो वो क्या थे, डैम्स और रिजर्वियर्स थे. दिस इंप्रूव्स वाटर सप्लाई, फूड प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी. तो इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर सप्लाई, फूड प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी. इससे क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी, क्योंकि जब वाटर सप्लाई अच्छी होगी तो गुड फूड क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से होगा, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से होगा तो फूड सिक्योरिटी रहेगी. फूड सिक्योरिटी मीन्स द स्टेट ऑफ हैव रिलायबल एक्सेस टू सफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ अफोर्डेबल न्यूट्रियस फूड. मीन्स प्रॉपर फूड का अवेलेबल होना हमारे लिए, और कैसा फूड, इन सफिशियंट क्वान्टिटी. ठीक है, सफिशियंट क्वान्टिटी में और अफोर्डेबल प्राइजेज में. ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेज में अवेलेबल है, नहीं, अफोर्डेबल प्राइजेज में और न्यूट्रिशियस फूड जिसमें न्यूट्रिशन हो. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव. कैसा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मीन्स उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, एंड सिंपल एंड ईजी टू यूज़. और सिंपल और ईजी टू यूज़. सो द एरिड, एरिड मीन्स ड्राई एंड सेमी ड्राई रीजन्स आर आइडियल फॉर दिस टेक्निक. जहाँ पे ड्राई और थोड़ा कम ड्राई रीजन जो होते हैं, जैसे कि रूरल एरियाज हैविंग लो रेनफॉल. जो ऐसे रूरल एरियाज, ऐसे छोटे एरियाज जहाँ पे कम रेनफॉल हुई है, बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. उन्हें बहुत फ़ायदा होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की वजह से. रेन वाटर हार्वेस्टिंग लीड्स टू वाटर सप्लाई विच लीड्स टू फूड सिक्योरिटी. फिर से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लीड्स टू वाटर सप्लाई. रेन वाटर अगर हार्वेस्टिंग किए, अगर रेन वाटर कंजर्व किया, बचाया, तो उससे क्या होगा, वाटर सप्लाई अच्छी रहेगी. वाटर सप्लाई अच्छी रहेगी तो फूड सिक्योरिटी रहेगी. दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन इनकम जनरेशन. और क्या होगा, उससे इनकम जनरेशन होगी, इनकम जनरेट होगी. अगर वाटर सप्लाई ठीक रही
तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी तो इनकम जनरेट होगी उससे। सो इनडायरेक्टली जो वाटर सप्लाई है वो इनकम को भी इफेक्ट कर रहा है। देन वी हैव लर्नड अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर कमर्शियल यूज़, है ना। कमर्शियल यूज़ में क्या होता है कि एक लार्ज वाटर टैंक में उसे सेव किया जाता है रेन वाटर को, देन फिल्टर करके स्मॉल स्टोरेज टैंक्स के थ्रू उसे म्यूनसिपल वाटर टैंक में पास किया जाता है, देन वाटर टू द टैप्स, डायरेक्टली टैप्स के लिए अवेलेबल करवा दिया जाता है। जो वाटर होता है वो पोर्टेबल नहीं होता, पीने लायक नहीं होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर डोमेस्टिक यूज़, सो फॉर डोमेस्टिक यूज़ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर कैन प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। अगर कलेक्ट रेन वाटर को सिंपली कलेक्ट किया जा रहा है फॉर डोमेस्टिक यूज इन पीरियड्स ऑफ वाटर शॉर्टेज, रेन वाटर में ऑल्सो प्रोवाइड अ सॉल्यूशन व्हेन वाटर क्वांटिटी इज लो, वेयर एज ड्यूरिंग रेनी सीजन इन रिवर्स एंड अदर वाटर रिसोर्सेज। तो रेन वाटर बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जब वाटर क्वांटिटी लो हो जाती है, मेनली समर्स के टाइम पे, तब उस वाटर का यूज़ किया जाता है। नाउ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? द सर्फेस दैट रिसीव रेनफॉल डायरेक्ट इन कैचमेंट एरिया ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो रूफ्स पे जो वाटर कलेक्ट होता है, इट मे बी अ टेरेस, कोर्टयार्ड या पेव्ड और अनपेव्ड ओपन ग्राउंड, जहाँ पे डायरेक्टली रेन वाटर आता है। इन रूफटॉप हार्वेस्टिंग द रूफ बिकम्स द कैचमेंट एरिया, तो रूफ क्या बन जाता है? कैचमेंट एरिया, जहाँ पे डायरेक्टली वाटर फॉल होगा या रेन वाटर वहाँ पे ही कलेक्ट होगा। एंड द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफटॉप ऑफ द हाउस बिल्डिंग, इट कैन आइदर बी स्टोर्ड इन अ टैंक, और जो हाउस की बिल्डिंग्स के जो रूफ है वहाँ पे जो वाटर कलेक्ट हुआ है, आइदर इट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, या तो वो टैंक में स्टोर होंगे या तो डाइवर्टेड टू आर्टिफिशियल रिचार्ज सिस्टम, और या तो उसे दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव, सिंपल टू यूज एंड वेरी इफेक्टिव। तो जी रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग है, जहाँ रूफटॉप से वाटर सेव किया जाता है, दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव, इसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं होते क्योंकि रूफ से ही वाटर आ रहा है, और वो कहाँ पर कलेक्ट हो रहा है? टैंक में कलेक्ट हो रहा है। सिंपल और वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स अस इन मेकिंग वाटर अवेलेबल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, तो वाटर हार्वेस्टिंग, बट हाउ शुड वी यूज वाटर दैट इज अवेलेबल टू अस? अब हमें जो वाटर अवेलेबल हुआ है वो हम यूज़ कैसे कर सकते हैं जो हमने सेव किया है? शुडंट वी कंजर्व वाटर दैट वी हैव फॉर फ्यूचर यूज? अब जो हमें फ्यूचर यूज़ के लिए वाटर मिला है, क्या हम उसे नहीं बचाना चाहिए? बिफोर डिस्कसिंग द वाटर कंजर्वेशन, आंसर द क्वेश्चंस बिलो। डू यू थिंक वाटर कंजप्शन पर पर्सन इज मोर और लेस इन द गिवन ऑन द सेकंड पेज ऑफ द चैप्टर? जो स्टार्टिंग में हमने वाटर कंजप्शन के बारे में डिस्कस किया था, क्या आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा है या लेस है? सिंस देयर इज वेरी लिटिल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, क्योंकि अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है, तो हमें क्या करना चाहिए? वाटर को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। वाटर सेविंग इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन, तो वाटर को सेव करना ही क्या है? वाटर कंजर्वेशन है। वी नीड टू टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स टू सेव वाटर, और हमें वाटर सेव करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। उन मेजर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन।